सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोज है फोर्स इन थ्री डायमेंशन वीडियो नंबर 22। इसमें थ्योरीज है नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। नल लाइंस क्या होता है? नल लाइंस कहेंगे नल लाइन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस रेफर्ड टू ओडेस एज ओरिजन आर द लाइंस अबाउट बिस द मोमेंटम ऑफ सिस्टम वेनिसेस। यानी कि ओडेस एक ओरिजन से उसके रेस्पेक्ट में लाइंस का मोमेंटम वेनिस होता है, उसको नल, वहाँ से जो लाइंस निकलती हैं वो नल लाइंस होंगी। द प्लेन कंटेनिंग ऑल द नल लाइंस आर नोन एज नन प्लेन। जो उस प्लेन में जो नल लाइंस हैं वो सब नन प्लेन्स होंगी एट द ओरिजन ओडेस। द प्लेन कंटेनिंग ऑल द नल लाइंस आर नोन एज द नल प्लेन एट द पॉइंट ओडेस। द पॉइंट ओडेस इज नोन एज नल पॉइंट। वो जो पॉइंट होगा उसको नल पॉइंट्स कहते हैं। हाँ, अब हेडिंग डालेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। हाँ, फले लैंग्वेज में लिखेंगे लेट द सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट टू एक्स बाई जेड कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन रिफर टू ओरिजन ओ। इसका ओरिजन ओ डैश ओ है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ डैश बी ए बी सी। लेट, देखिएगा ये ओ पे था पॉइंट कैपिटल एक्स वाई जेड एल एम एन, इसके डिसीज रहे होंगे एंड ओडेस के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ए बी सी है एंड लेट एल डैश एम डैश एन डैश आर द मोमेंट ऑफ कपल्स अबाउट ओ एक्स डैश ओ डैश वाई डैश एंड ओ डैश जेड एक्स। यहाँ पे जो एक्सेस हैं ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड बन रही थी और यहाँ पे ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश एंड ओ डैश जेड डैश होंगी विच आर द पैरेलल टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। यानी ओ वाई जे वाली जो है ओ वाई पैरेलल है ओ वाई ओ डैश वाई डैश के, ओ एक्स पैरेलल टू ओ डैश एक्स डैश के एंड ओ जेड पैरेलल टू ओ डैश जेड डैश के। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो एल डैश इक्वल टू होगा, ये था हमारा फिगर, एल डैश इक्वल टू हो जाए एल माइनस वाई जेड कैपिटल जेड माइनस कैपिटल जेड कैपिटल वाई, यानी कैपिटल एल माइनस बी जेड प्लस सी कैपिटल वाई। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड के पॉइंट ड्रा कर दिए हैं। ऐसे ही एम डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम माइनस का सी कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल कैपिटल जेड और एन डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन माइनस ए कैपिटल वाई प्लस का वी कैपिटल एक्स। लेट, यहाँ पे एल डैश एम डैश एन डैश आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सेस ऑफ रिजल्टेंट कपल ए बी सी। यानी यहाँ पे कपलिंग हो सकती है। अगेन लेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड बी द एनी पॉइंट ऑफ द नल प्लेन ए बी सी एंड सच दैट द नल लाइंस हैज द डायरेक्शन रेशोस एक्स माइनस ए वाई माइनस का बी जेड माइनस सी। ये हो जाएंगे उसके डायरेक्शन रेशो। द नल लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ कपल देन, यानी कि नल लाइंस जो है परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ कपल्स, यानी कि एक्स माइनस ए एल डैश प्लस का वाई माइनस का बी एम डैश जेड माइनस का सी कैपिटल एन डैश इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एल डैश एम डैश एन डैश का वैल्यू ड्रा कर देंगे, ये होगा एल माइनस का वी जेड प्लस का सी कैपिटल वाई प्लस का वाई माइनस का वी कैपिटल एम डैश का वैल्यू रख देंगे कैपिटल एम माइनस का सी एक्स प्लस का ए जेड, ये होगा जेड माइनस का सी कैपिटल एन माइनस ए वाई प्लस का बी कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। थोड़ा सोल्व कर लेंगे, एक्स वाली का कोएफिशिएंट एक्स के साथ ले लिया जाएगा, यानी कि एक्स ये होगा एल माइनस बी जेड प्लस स्मॉल सी कैपिटल वाई प्लस का वाई कैपिटल एम माइनस का सी कैपिटल एक्स प्लस का ए जेड प्लस जेड वाला कैपिटल एन माइनस का ए वाई प्लस का बी कैपिटल एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एल प्लस का बी कैपिटल एम प्लस का सी कैपिटल एन। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नल प्लेन। दिस इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड द नल प्लेन इक्वेशन है। कैन ऑल्सो वी रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेशन फॉर्म। इस इक्वेशन को डिटर्मिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकली ये कंडीशन हो जाएगी ए बी सी इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इक्वल टू कैपिटल एल एक्स माइनस का ए प्लस कैपिटल एम वाई माइनस का बी प्लस का कैपिटल एन जेड माइनस का सी। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन।